आईपीएल से पहले सीएसके को लगा बड़ा झटका। खूंखार खिलाड़ी हुआ आईपीएल से बाहर। धोनी की बढ़ गई टेंशन। अब सीएसके का जीतना मुश्किल। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है। अब तो इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान भी हो गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके को बड़ा झटका लगा है। आईपीएल की शुरुआत से पहले ही इस टीम को करोड़ों रुपए का चूना लग गया है, क्योंकि इस टीम का एक अहम खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस तूफानी खिलाड़ी की बाहर होने की वजह से 5-5 बार की चैंपियन सीएसके की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो पलक झपकते ही मैच का रुख पलट सकता है। यह गेंदबाजी से भी कमाल करता है और बल्लेबाजी से भी धमाल मचा सकता है। ऐसे में अब धोनी की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बताएंगे आपको कि आखिर कौन है यह तूफानी खिलाड़ी और ये क्यों और कैसे हो गया है आईपीएल से बाहर। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि इस बार कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल 2024 का खिताब। सीएसके को लगा बड़ा झटका। आईपीएल 2024 का शेड्यूल सामने आ चुका है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। चेन्नई की टीम धोनी की कप्तानी में छठी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करना चाहेगी, लेकिन इससे पहले सीएसके के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। इस टीम का एक तूफानी खिलाड़ी चोटिल हो गया, जिसकी कमी साफ तौर पर इस टीम को खल सकती है। आईपीएल से पहले चोटिल हुआ तूफानी खिलाड़ी। आईपीएल 2024 में धोनी चेन्नई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन माना जा रहा है। 17वें सीजन के बाद धोनी आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। इस बीच सीएसके को निराश कर देने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रेंचाइजी ने दुबई में हुई नीलामी में जिस युवा खिलाड़ी पर 1,80,00,000 रुपए की मोटी रकम लुटाई थी, वह खिलाड़ी आईपीएल 2024 से पहले चोटिल हो गया है। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के युवा खिलाड़ी रचिन रविंद्र हैं। आईपीएल 2024 के शुरुआती मुकाबले कर सकते हैं मिस। न्यूजीलैंड के युवा ऑलराउंडर रचिन रविंद्र आईपीएल 2024 में सीएसके की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। उन्हें इस साल डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इससे पहले रचिन रविंद्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रचिन रविंद्र चोटिल हो गए हैं। उनके घुटने में दर्द के चलते वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। उनकी चोट को लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन अगर रचिन की चोट गंभीर पाई जाती है तो फिर रचिन रविंद्र आईपीएल के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं, और यह सीएसके की टीम के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि रचिन रविंद्र बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल कर सकते हैं। यह खिलाड़ी अपने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी धमाल मचाने का दमखम रखता है और कभी भी किसी भी मोड़ पर मैच का रुख पलट सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सीएसके की टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी? क्या महेंद्र सिंह धोनी छठी बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का चैंपियन बना पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।